अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटीज़न गोट फार्मिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, सिटीज़न गोट फार्मिंग सस्ते तरीके से लाहौर शहर में बकरी पालने के तरीक़ों को प्रमोट करता है और ये तरीके अपनाता है और आप सबके साथ भी शेयर करता है कि हम लोग कैसे सस्ते तरीके से बकरियों को पाल सकते हैं अपने घर की छत पे आसानी से। इसी सिलसिले में आज की वीडियो भी बनाई जा रही है, जिसमें हम बताएंगे कि अगर आपकी कोई बकरी हीट पे नहीं आ रही और वो आपके फार्म पे एक्सपेंस बढ़ा रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं दे रही, तो हम उसको हीट पे कैसे लाएं और कैसे उसको प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आपको ये दिखाने लगा हूँ मैं कि हम इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप साहब? ये बकरी की आप साहब कुछ डिटेल्स बताएं, ये क्या थी, ये क्यों नहीं हीट पे आई, क्या वजह? ये बकरी आपको याद होगा, हमने एक वीडियो लगाई थी खालिद साहब से, ये बकरी हमने खरीदी थी। जी जी, ये वही बकरी। कितने की खरीदी थी ये भी बता दें। ये हमने 25,000 की खरीदी थी बकरी सर। 25,000 रुपये की खरीदी थी? 25,000 की बकरी खरीदी थी। इसका व्यूअर्स मैं आपको बताता चलो, हमने तकरीबन 3 माह पहले साइक्लोमेट इंजेक्शन लगाया था एक, जो उसे हमने हीट में लाने की कोशिश की लेकिन नहीं आई। अब हम इसका दूसरे तरीके से एक ट्रीटमेंट करेंगे। तो इंजेक्शन तो साइक्लोमेट ही है, लेकिन उसके बाद एक और इंजेक्शन लगाना हमने, लेकिन उसके बाद हम साइक्लोमेट लगाने के बाद एक और ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो हमने डॉक्टर साहब से पूछा है, तो वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। आप साहब ज़रा साइक्लोमेट इंजेक्शन दिखाएँ। ये व्यूअर्स इंतहाई सस्ता इंजेक्शन है, 130 रुपये का, पाकिस्तान मेडिकल स्टोर नियर ज़िला कचहरी लाहौर से मिल जाता है। ये इंजेक्शन है, 2 ml की पैकिंग होती है। ये खोल के दिखाएं आप साहब। ये 2 ml है, ये दोनों एक एम्प्यूल पूरा ही लगाना है इसको, ठीक है। उसके बाद एक और इंजेक्शन आता है, अगर बकरी ये लगाने के बाद हीट में आ जाती है तो आपने हीट में महसूस किया कि बकरी हीट में आ गई है, उसकी कुछ निशानी होती हैं, ये बकरा इसके पीछे पड़ जाते हैं और जो इसकी बच्चादानी बच्चे वाली जगह है पेशाब वाली, वो कुछ स्वेल हो जाती है और उसमें से एक वाइट या ट्रांसपेरेंट कलर की म्यूकस या रतूबत निकलना शुरू हो जाता है, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बकरी हीट में आ गई है। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो बकरी हीट में आ गई है, तो आपने एक और इंजेक्शन जिसका नाम है कॉन्सेप्टॉल दिखाएं आप साहब। ये 1.5 से 2 ml लगा देना है। इसकी प्राइस भी तकरीबन 5 ml की 500 के करीब है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 500 है मेरे ख्याल से 5 ml की ना प्राइस। तो आपने व्यूअर्स ये लगा देना है उसको 2 ml। उसके बाद आपने फौरन बकरा नहीं छोड़ देना इस पर, तकरीबन 3 से 4 घंटे वेट करना कॉन्सेप्टॉल लगाने के बाद, उसके बाद आपने बकरा छोड़ना। तो बकरे से एक दफ़ा क्रॉस करवा के आपने बकरा बांध देना है, उसके बाद आधे या घंटे बाद 2 घंटे बाद एक दफ़ा फिर छोड़ देना बकरा, 2 दफ़ा क्रॉस करवानी है। अगर बकरी ये ठंडी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब 12 घंटे बाद दोबारा बकरा छोड़ें, अगर वो क्रॉस कर दे तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने फिर नहीं करवानी क्रॉस। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला है तो आप लाजमी हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम सस्ते बकरी पालने के तरीकों को प्रमोट करते रहें। इसी के साथ हमें और हाफिज़ ज़ुबैर साहब को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।